इसराइल का हमला कम नहीं हो रहा, लेबनान के ऊपर लगातार गोले बरसाए जा रहे हैं। इसराइल के हमलों से लेबनान दहल गया है, हिजबुल्ला लड़ाके घबरा गए हैं। हिजबुल्ला जब अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेना चाहता है तो इसराइल और ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अब इसराइल के निशाने पर बेका घाटी है। बेका घाटी यही जगह है जहां लोगों के घरों में हिजबुल्ला ने अपने हथियारों को छिपाया है और अब इसराइल इसी बेका घाटी को तबाह करना चाहता है। इसराइल ने हिजबुल्ला के 300 ठिकानों पर एक साथ हमला बोलकर लेबनान को नई चेतावनी दे दी है। इसराइली सेना की तरफ से ये धमकी दी गई है कि लेबनान को बेका घाटी को तुरंत खाली कर देना चाहिए वरना पूरी बेका घाटी नेस्तनाबूद कर दी जाएगी। इसराइल की सेना ने लेबनान में लोगों से उन मकानों और बिल्डिंग को तुरंत खाली करने के लिए भी कह दिया है जहां हिजबुल्ला आतंकवादी ग्रुप ने हथियार जमा कर रखे हैं। इसराइल की धमकी के बाद बेका घाटी में रहने वाले लोगों में हड़कंप है। ऐसी जानकारी भी मिली है कि इन हमलों में 182 लोग मारे जा चुके हैं जबकि 700 से ज्यादा लोग घायल हैं। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक इसराइल ने अब आर्या पार की लड़ाई का मूड भी बना लिया है और उसका अगला निशाना बेका घाटी है। अब यहां ये ध्यान देने वाली बात है कि आखिर इसराइल बेका घाटी को ही क्यों टारगेट करना चाहता है। तो बेका घाटी इसीलिए इसराइल के निशाने पर है क्योंकि बेका घाटी ही वो जगह है जहां पर हिजबुल्ला के सारे हथियार छिपाकर रखे गए हैं। बेका घाटी इसराइल की सीमा से काफी दूर है इसीलिए हथियारों को छिपाना यहां सेफ हो जाता है। बेका घाटी में छिपाए गए हथियारों की जानकारी जुटाना भी इसराइल के लिए मुश्किल टास्क बन गया था और इसी वजह से इसराइल की नजर बेका घाटी पर है। इसराइल की नजर वहां छिपाए गए हिजबुल्ला के हथियारों पर है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के हवाले से जो जानकारी आई है उसके मुताबिक हिजबुल्ला ने बेका घाटी इलाके में हर 3 से 5 घंटों पर हथियार छिपाकर रखे हैं। अब इसराइल की धमकी के बाद लोग अपना सामान छोड़कर घबरा कर भागने की तैयारी में है। इसराइल को यह भी जानकारी है कि बेका घाटी में हिजबुल्ला ने ऐसे खतरनाक हथियार छिपाकर रखे हैं जो काफी ज्यादा खतरनाक है। इसराइल को यह भी जानकारी मिल गई थी कि हिजबुल्ला यहां छिपाए गए हथियारों से इसराइल के ऊपर कोई बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, इसीलिए इसराइल की नजर बेका घाटी पर अब है। पिछले एक सप्ताह से इसराइल हिजबुल्ला पर लगातार हावी है, लगातार हमले से हिजबुल्ला के होश उड़ा दिए हैं। पहले पेजर और फिर वॉकी टॉकी और फिर सोलर एनर्जी अटैक से लेबनान में हाहाकार मचा हुआ है। इसराइल के तेवर से ये साफ लगता है कि इस बार वो आर पार की लड़ाई के मूड में है। इसराइल के सैन्य अधिकारियों के बयान से ये लगता है कि वो अब चुप रहने वाले नहीं है, वो पूरी तरह से हिजबुल्ला की कमर तोड़ना चाहते हैं। अब तो ये आने वाले समय ही बताएगा कि इसराइल का हमला कब रुकेगा। लेकिन इसराइल ने हिजबुल्ला को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। इसराइल के हमले से हिजबुल्ला के कई कमांडर भी मारे गए, लेबनान में दहशत है, हिजबुल्ला लड़ाके खौफजदा हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि इसराइल का अगला कदम आखिर क्या होगा।